इवनिंग फ्रॉम अयोध्या। हम जो है एक रेलवे स्टेशन पे, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, और मुझे नहीं मालूम कि ये मेरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो हूँ हेलमेट के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी जो है हम चल रहे हैं सूरज कुंड, सूरज कुंड हम चलेंगे, और हमारे साथ एक जो है थोड़ा सा परेशान बंदा इस समय, इसको उठा लिए हम। बट तो अभी हम जो है अभी चलेंगे इधर से, और दो बंदों को बुलाए थे बट वो आए नहीं, आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं। फिर जो है बड़ा काम चल रहा है भाई। सो ये एक छोटी सी राइड है जो कि मैं आपको आपके साथ करना चाह रहा था। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट क्या ही ना वही चला के ये अभी सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आने वाले समय में बहुत ही सही हो जाएगा सब कुछ। अयोध्या से थोड़ी दूर पे एक 5 या 6 किलोमीटर पे सूरज कुंड बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है लोकली में, और इंटरनेशनली तो मैं करूँगा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, मतलब काफी दिनों के मुझे यहाँ आए हुए, और काफी कुछ ज्यादा बदल गया भाई। तो सूरज कुंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सूरज कुंड एक जो है कुंड टाइप है, जिसके जहाँ पे लेज़र शो और वो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, स्पेशली लाइट का जो है बंदोबस्त वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, और इसकी वजह से वो जो है ना थोड़ा सा लोगों का, लोकल लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करता है। तो मुझे आशंका थी, वही जो जगह थी मैंने वही चूज़ किया, और मुझे यकीन था कि यही होगा, और निकला ही वही, यही सामने जो है आपके दिख रहा है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी पहले, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं करता था, एक हल्का सा वो जो है हुआ करता था, बट अब जो है काफ़ी पैसे लगा के अच्छा सा कुछ बना दिया गया है। और मुझे याद है कि ये वाली जो रोड है वो मेरे JP भाई के भाई के दोस्त की, मेरे ले रहे हैं इस चीज़ का। देखो मेन गेट ये भी तो है बंद, नहीं दिख नहीं रहा है। बंद तो हर कुछ है भाई यहाँ कुछ। सूरज कुंड को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, मैं आपको अभी अंदर लेके चलता हूँ। तो ये पूरा एक राउंड अप था जो कि मैंने दिखाया आपको, और ये है मेन गेट। मेन गेट तो इससे भी बेकार है भाई, ये क्या। सो अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है कि श्री सूर्य कुंड के बारे में, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आप हल्का सा। एट अ टाइम पे 7 बजे के बाद या 8 बजे जो है इस दिन ये शो चलते रहते, कोई ऐसा नहीं है। बट मैं यहाँ पे अब रुकने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा चलना है कहीं एक जगह और, तो हम वहाँ चलेंगे, वहाँ से पहले काम अपना निपटाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो किसी दिन मौका मिलेगा दोस्तों के साथ या कुछ ग्रुप के साथ हम आएंगे, तो ज़रूर ये जो लाइट शो है इसका आनंद लेंगे। सेम राम की पैड़ी की तरह ही यहाँ पे जो है वो सारे काम होते हैं, सेम उसी तरह सिस्टम, साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, लाइटनिंग सिस्टम है, और ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे, ये यहाँ पे ये सब पूरी चीज़ें जो है इस तरह से की गई हैं। तो आप जो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं, वो आप देखो थोड़ा सा ध्यान में, तो ये एक जो है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर जो है उस तरह के सूर्य के टाइप जो है वो इसको बनाया गया है, और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये सूर्य कुंड, इसके वजह से ये चीज़ें इस तरह से हैं, तो थोड़ा सा फाइननेस जो है इसमें आई है लोगों के जो बनाया है इन्होंने,
तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये देखो इस तरह से कि आप इसको देख सकते हो, हर जगह यही लगाया गया है। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम उसी तरह, क्योंकि ये सूर्यकुंड है इसकी वजह से ये हैं। और अगर आप सीधे जाते हो वहाँ पे बाकी जगहों पे, तो उनके यहाँ वहाँ पे डिज़ाइन कुछ अलग अलग है। ओके, तो ये देखो गेट पे भी सेम इसी तरह डिज़ाइन बनाई गई है। तो टाटा बाय बाय करते हैं। तो कुछ जो ये सामने आपको दरा दिख रहा है, ये सेम इसी तरह दरा वहाँ पे भी बना था मेन रोड पे ही दर्शन नगर के, बट वो अब तोड़ दिया गया है चौड़ीकरण की वजह से। तो बस दिन का समाप्त तो है, आज यही करते हैं। और अपना जो है खूब ख्याल रखें और लोगों का खूब ख्याल रखें, इसी तरह जो है ज़िंदगी काटें, मज़े करें और दूसरों की हेल्प करें। जो आजकल चल रहा है उससे थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ी सी ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसको आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, प्यार बांटें लोगों के बीच में, और लोगों की मदद करना जानें कैसे मदद करना है लोगों की, क्योंकि जो है थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया है हल्का सा। ओके, तो बस मैं यही गुजारिश आपसे करता हूँ इसी वीडियो के थ्रू कि आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए फ्रेश कमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर। और इस लड़के की तरह आप भी गाड़ी सीखना स्टार्ट करें। हैव अ गुड डे, बाय।